जय हिंद, गुड इवनिंग। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक क्या किया था? अमेंडमेंट, सॉरी, आर्टिकल्स। और उम्मीद करते हैं कि आप सबने याद भी कर लिया होगा। धीरे धीरे कर लेंगे, किया नहीं है? इकोनॉमिक्स पढ़े थे। इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक पढ़े? माइक्रो। माइक्रो का तो वीडियो देख लेना, तभी समझ में आएगा, पढ़ के आएगा नहीं। और मुश्किल से 7-8 ही वीडियो है माइक्रो, ले लेंगे। कन्फर्म है? 12 साल हो गए उसी को, है निकम्मे। मैंने कब पढ़ाया था कि टैक्स कम अधिक होगा? मैंने पढ़ाया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी वस्तु का प्राइस डिपेंड करेगा उसके कॉस्ट पर और उस पर लगने वाले टैक्स पर या दी जाने वाली सब्सिडी पर। ये है फॉर्मूला। टैक्स ज्यादा लग जाएगा तो वस्तु महंगी हो जाएगी, सब्सिडी ज्यादा लग जाएगी वस्तु सस्ती हो जाएगी, सब्सिडी कम हो जाएगा। वो दूसरा पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। आप घाल मिल मत करिए, हमने मॉनेटरी पॉलिसी कहा था। हाँ, ये एनएनपी फिर एनपी हटाओ, अभी एनएनपी नहीं है वो, और जब जीडीपी लिखा जाता है। हाँ, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, अब मान लो वस्तु है, उस पर हमने, सेलर ने सोचा कि ठीक है 90 रुपए की वस्तु मार्केट में बेची जाएगी। अब सरकार ने कहा कि जी हम इस पर 10 रुपए का टैक्स लगा दे रहे हैं, तो वस्तु महंगी हो गई। सब्सिडी कहा कि 2 ही रुपए देंगे, तो वस्तु थोड़ी सस्ती हो गई। अब इन्होंने कहा कि नहीं जी, वस्तु को थोड़ी सस्ती करनी है, तो इन्होंने कहा जी 2 रुपए टैक्स लगा देते हैं, 8 रुपए सब्सिडी देते हैं, तो वस्तु सस्ती हो गई। ये तो क्वेश्चन था। हाँ, मैंने ही बोला था। एनएनपी चैप्टर मत देख निकम्मे, इन्फ्लेशन चैप्टर देख। इन्फ्लेशन में बता, सोल्यूशन देख मेरे भाई, तू रीजन देख रहा है पागल निकम। हाँ, गुप्ता जी, सॉल्यूशन फॉर कॉस्ट फैक्टर में जाइए। क्या लिखा है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इतने देर से क्या कह रहा हूँ, तुम निकम्मों को सर मारना चाहिए दीवार में। तू वीडियो नहीं देख रहा है ना टॉपिक का, फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। सर, रेलवे के लिए भी कवर कराना प्लीज, इसरो का टॉपिक। नहीं, रेलवे के लिए अलग, इसरो का टॉपिक होगा, और एसएससी के लिए अलग होगा। निकम्मे पागल कहीं। हाँ, रेलवे के लिए पेड़ बेच। हाँ, अच्छा है। ये टॉपिक का क्या बेस है ये सीखते हैं। इस टॉपिक का दो बेस है। इसरो ने कौन कौन से मिशन लॉन्च किए, तो ये अनलिमिटेड है, तो वो जनरली नहीं पूछेगा। इसरो का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, MOM 2 कब आने वाला है, चंद्रयान 3 कब आने वाला है, आदित्य कब आने वाला है, ये क्वेश्चन बनेगा। और उस साल करेंट ईयर में कुछ हुआ हो तो, कि इस बार कौन सा PSLV लॉन्च किया, कौन सा GSLV लॉन्च किया, और GK टाइप का, कि पहला हमारा सैटेलाइट कौन सा था जो इंडिया से शुरू हुआ, और ओवरऑल पहला सैटेलाइट कौन सा था, किस देश के मदद से पहला शुरू हुआ जो एक हफ्ते बाद फ्लॉप हो गया। तो इस तरीके का GK टाइप का। हालांकि पूछने कुछ भी पूछ सकता, मैंने सोचा कि मैं सारा कराऊं। 300 ज्यादा मिशन है भाई, बहुत ज्यादा मिशन हमने लॉन्च किए। कुछ फ्लॉप हुए, कुछ सक्सेस हुए, कुछ बीच बीच में रह गए। हाँ, ताशकंद नहीं, कजाकिस्तान में ही है ताशकंद। हाँ, चले। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये जिनका भी कंफ्यूजन था दूर हो गया। दिक्कत ये है कि उत्तर में गलत लिखा हुआ है, इसलिए आपने वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। हाँ बच्चे, इन्फ्लेशन में पहले मनी का फ्लो ज्यादा है, तभी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। मैंने इस पे काम करना पड़ेगा। मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाया है, लगभग 2-2.5 घंटे का, इन्फ्लेशन को। और इस तरीके से कि आप ले लेना, इसी में है, इस तरीके से कि आपको लाइफ में भी दिक्कत ना हो किसी भी एग्जाम में जाए। दिक्कत ये नहीं है ना, दिक्कत ये कि हम सब बहुत हड़बड़ी में हैं, जल्दी कवर करना चाहते हैं, अच्छे से नहीं कवर करना चाहते हैं, तो कर लीजिए हड़बड़ी। ठीक
ठीक है, थैंक यू। अरे ना सही है फिर। देखो ये रेलवे का देखा है कल, ये बच्चा तो बता रहा है कि 10-12 क्वेश्चन इनको मिल गए एज इट इज, और मुश्किल से 100 दिन अभी तुमको हुआ नहीं इस क्लास में बैठते हुए। हाँ जिस दिन 100 दिन हो जाएगा तो इसको लगभग सारे क्वेश्चन मिल लेंगे। हमने आपसे 100 दिन मांगे थे, आप जाते हैं 10-12 दिन आते हैं तो फिर आपको लगने लगता है यार तो मैं तो खुद ही कर लूंगा। हाँ और खुद ही के चक्कर में जो था वो भी चला जाता है। यहाँ आएंगे तो ऑटोमेटिक आज इसरो पढ़ाऊंगा तो कुछ तो दिमाग में घुसेगा, कुछ तो बाद में जाकर रिवाइज कर लेंगे। तो दिक्कत क्या है कि इजिली मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, ठीक है यार ठीक है। इसरो कब आया, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ढेर सारी बातें हैं, कौन इसका चेयरमैन होता है, किसके अंडर में कार्य करता है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसी ऐसी बातें हमें थोड़ी सी सीखने हैं। तो इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ साथियों, 1969, 1969 में। बेसिकली इसरो का जो पुराना नाम है ना वो नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और ये 1962 में आया, बाद में इसको हमने 1969 किया। तो ऐसे पूछता है कि इसरो का प्रेसिडिंग एजेंसी कौन है, तो ये हम बाद में लिखेंगे, तो वहाँ फुल फॉर्म लिखेंगे, अभी लिखेंगे इसरो एस्टेब्लिश इन 1969, इसरो की स्थापना 1969 में की गई। प्रिसीडिंग एजेंसी ऑफ इसरो, इसरो की पूर्ववर्ती संस्था, प्रिसीडिंग एजेंसी पूर्ववर्ती संस्था यानी जो इसरो के रूप में कन्वर्ट हुआ है, इसको अच्छे से नोट करना, ये बुक में शामिल नहीं किया है, शायद कर लूंगा यदि टाइम मिलेगा तो, अभी तक नहीं है। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको इस पर कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च है। हाँ और एक इसके अंतर्गत कार्य करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक इसके प्रति जवाबदेह है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। नहीं मोदी जी गए थे जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो गले मिल करके, हाँ फिर बाद में उनकी सैलरी भी कम कर दी थी, वो नहीं दिखाया कर उससे पहले ही कर दी थी तो वो हाईलाइट नहीं किया गया। हाँ पिन जहां से स्टेपलर मिलता है वहां से पिन मिलता है, यही गलती से आता। लिख दिए, हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक। के सिवन इसके चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो छोड़ दो, के सिवन कर लो, 5 साल, जनरली 5 साल तो मत कहो, उम्र तक है 60 है 65 ऐसा कुछ। हाँ काफी दिन से नहीं है, आप जब से तैयारी कर रहे हैं तब से ये है, तो ये तो हमें लगता है काफी दिन हो गए, क्योंकि मैंने तीन तीन देख लिए इसके पहले, जो वी के शाश्वत अभी हैं नीति आयोग के चेयरपर्सन वो इसके पहले के पहले थे, फिर एक और थे बीच में, और एक ये। हाँ मुझे तो काफी टाइम हो गया, मैंने लाइफ में एक ही जो एग्जाम दिए फिर मुझे लग गया मेरे से नहीं होगा, मैं भाग गया फिर मैं बीएड करके एक सेफ जोन में आ गया। तो जो वो सबको पता होता है,
आपका तो होगा, आपका तो होगा, अब हो जाएगा, पहली बार सीरियस आ गए ना। हाँ टाइम पे। अब देखो कुछ इसके रिसर्च सेंटर्स हैं, तो ये कई बार पूछ रहे थे ये कहाँ पर है, जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, श्रीहरिकोटा में है ना, तो ये थोड़ा सा लिख लो, स्पेस सेंटर्स लिख लेना या इसके रिसर्च सेंटर्स लिख लेना, उसमें पहले लिखना सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में पड़ेगी, आंध्र प्रदेश। चलो ठीक ठीक है, ठीक कह रहे हैं, ठीक नहीं ठीक हट निकल मैं उड़ीसा में। हाँ व्हील व्हील आइलैंड है उसको, चांदीपुर, चांदीपुर एपीजे अब्दुल कलाम। यस है, मैं चेक क्या कर लो, जब मैं बोल रहा हूँ है तो। हाँ कोई बात नहीं, साउथ वाला एक बैठा है बता, एपी में है ना। आंध्र प्रदेश बुक कब तक आएगी है? बता भाई कहाँ है ये तो हम तो भाई हम हरियाणा वाले में तो नहीं पूछते ना इसे, हम लोग नॉर्थ इंडिया के तो नहीं पूछते हैं, हमें भरोसा है कि तुम बता सकते हो। हाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य कर रहा है, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। देखो ये क्वेश्चन कल परसों हमने आपसे पूछा था याद हो, आर्यभट्ट का साल, और ये इंडिया से किस लॉन्चिंग व्हीकल से हुआ था है ना, तो तीनों पॉइंट लिखना, फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975, रोहिणी वाज फर्स्ट प्लेस सैटेलाइट क्योंकि आर्यभट्ट सक्सेस नहीं हुआ था। हाँ सोवियत यूनियन लिख लो, कजाकिस्तान आता है वैसे। बुक कब तक आएगी, अच्छा ये बता रहा है कि ये तमिलनाडु में है, वो जो दूसरा नाम था कुलसेरपत्तनम है, आर्यभट्ट का तो हमारा था ही नहीं ना, उनके वहां से लॉन्च व्हीकल से हुआ था, SLV-3 तो हमारा है, हमारे पास। हाँ हम और हमारे लॉन्च व्हीकल से इंडिया से भी यही, लॉन्च व्हीकल की तो दिक्कत थी कि कहाँ से लॉन्च करें, तो हम उनके वहां जाके लॉन्च किए। अब हम दूसरों का भेज रहे हैं, यस पहले PSLV यूज करते थे, अब हम GSLV यूज कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, इसका एक अलग से बनाया तो है PPT, आज इस पर टच नहीं करेंगे, क्या है कैसे है, आता तो है नहीं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म थे तो मैंने हटा दिया। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
कैमरे पे कुछ बैठा हुआ है। तुम लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा उसमें, क्या उसमें दिख रहा था उसका साइज बड़ा। अच्छा उसमें दिख रहा था, ठीक। अब तक हमने 109 स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च कर दिया है, 77 मिशंस। कुछ प्लान्स हैं इसमें से, जो आदित्य प्लान है, गगन है, MOF-2 है, क्या है कैसे भी आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने कौन कौन से कर दिए हैं उसमें से एक एक मिशन देख रहे हैं। तो पहला देख रहे हैं चंद्र मिशन, लूनर मिशन, है ना। तीन लूनर मिशन, दो लूनर मिशन हो चुके हैं, तीसरा होने वाला है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट है, ये बनकर तो लिख लेना, चंद्रयान 1 2008 एंड चंद्रयान 2 लूनर मिशन, चांद मिशन लिख लेना। हाँ, सफल कब समाप्त हो गया, जैसे ये वाला तो खो ही गया था हमारा, मिला ही नहीं था, पहुंच ही नहीं पाया था। ये कुछ समय के बाद ये खत्म हो गया। तीन फोटो भेजे थे इन्होंने वहां से, तो हाँ, तो अपने, हाँ, पानी का इन्होंने, कैग वाले ने बहुत मजाक उड़ाया था इस बात का कि भारत जैसे देश में जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, विनोद कुमार, वैसे में इसका मीनिंग नहीं है। जब फेल हो गया तब कि हमने एक बड़ा पैसा व्यर्थ में खर्च कर दिया, तो खैर हम ऐसे तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने गरीबी का एग्जाम्पल दिया था। चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 नहीं जा पाया। चंद्रयान 3 इसी साल भेजने वाले हैं। चंद्रयान 3 पे मूवी आ जाएगी, अक्षय कुमार कर देंगे। आज मोदी जी ने बोला तो है किसानों का बिल क्यों जरूरी है संसद में, क्यों बिल किसानों का बिल जरूरी है। उन्होंने बताया कि विरोध के लिए लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्यों विरोध कर रहे हैं। एक नया ग्रुप हो गया है जो, उसे एक टर्म दे दिया उन्होंने, स्ट्राइक को हिंदी में क्या कहते हैं, आंदोलनकारी ग्रुप, ऐसा कुछ कह दिया। इनका काम ही है सिर्फ आंदोलन करना, धरना ग्रुप। थोड़ा चंद्रयान 3 देखो कब आने वाला है, यहीं पे बना लेना, 2021। मिशन रिपीट ऑफ चंद्रयान 3 विद द लैंडर रोवर एंड प्रोपल्सर मॉड्यूल 2, मतलब उसी को जो चंद्रयान 2 में नहीं कर पाए 3 में करके पूरा करेंगे। तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि कब का टारगेट है। अभी चंद्रयान वाला लिखना, अभी बाकी मत लिखना। हाँ रोवर तो वहीं के लिए, लूनर पे जा रहे हैं। लिख लिया 2021, सिर्फ 2021 ही लिखना और कुछ नहीं लिखना है। चलो ये तो हो गया लूनर वाला। अब आ जाओ किसी पर्टिकुलर, हम प्लानेट पे जा रहे हैं, इंटर प्लानेटरी किसी ग्रह पे, तो किस पे जाने वाले हैं हम, मार्स। मार्स 1 पूरा हो चुका है, इस पे मूवी आपने देखी भी थी, सबसे चीपेस्ट हमने अब तक का भेजा है, और एशिया में फर्स्ट हो गए, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन कई बार हो चुका है, और ओवरऑल हम चौथे नंबर पे हैं। मार्स के नाम से, मार्स मंगल मिशन, मिशन मंगल। हाँ
हम मंगलवार को नहीं छोड़े थे, मार मंगल को पर छोड़े थे। हाँ बच्चे, हाँ पहला अंतरग्रही दूसरे ग्रह पे। चंद्रयान 1 के टाइम पे कौन इसरो का चेयरमैन था ये पूछा था। वही है जो हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, वीके सारस्वत। शिवम तो अभी है, के शिवन। अब मैं एग्जैक्ट लिस्ट ही बना देता हूँ ताकि ये भी क्लियर हो जाएगा। बस एक मिनट, लिस्ट ऑफ इसरो चेयरमैन ऐड कर दूंगा और टेलीग्राम के पीडीएफ ग्रुप में। चलो अपना श्योर 60 के नाम से क्या पता नहीं, फिर किसी ने बुला दिया होगा। अपना तो एक ही है। पहला जो है विक्रम साराभाई थे इसरो के चेयरमैन, और ये लास्ट संस्था से उससे लेके इसरो के स्थापना तक 1972 तक रहे, 1963 से 1972 तक। राधा, चलो और अब तक कुल कितने चेयरमैन हो चुके हैं? अब तक हो गए 10, ये 10वें नंबर पे हैं, के शिवन। और ये 15 जनवरी 2018 से हैं, अभी इनको 3 साल 24 दिन हुआ है। इनसे पहले थे एएस किरण कुमार, ये तो बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा है, नहीं 3 साल रही है अभी। एएस किरण कुमार 2015 से 2018, लिख ही लो, 3-4 और भी हैं। 2015 से 2018, 14 जनवरी 2015 से 14 जनवरी 2018 तक। एएस किरण कुमार ये 9th है। हाँ, एर्थ का तो बहुत कम टाइम रहा है, 11 दिन ही रहे, तो उनका तो लिखने का लॉजिक है नहीं। ही वाज प्राइमरी इंगेज रिलेटेड टू, सिर्फ 11 दिन के रहे हैं। हाँ वो भी आ जाएंगे। शैलेश नायक शॉर्टेस्ट हो जाएंगे एक तरीके से। 7वें हैं के राधाकृष्णन, ये काफी फेमस रहे हैं क्योंकि उन्होंने लगभग 5 साल 62 दिन काम किया है, 30 अक्टूबर 2009 से 31 दिसंबर 2014 तक। के राधाकृष्णन 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2014 तक। अच्छा है बच्चे, 2009 से चंद्रयान 2 के टाइम यही हो जाएंगे, है ना। अब आ जाएगा, हाँ 2 के टाइम हो गई है। नहीं 1 के टाइम तो ये नहीं है, ये एक मिनट अभी कंफ्यूज मत करो, पहले डेट लिख दो फिर तुलना करेंगे। जी माधवन नायर 6th, जी माधवन नायर, नायर, और ये हैं 2003 से 2009 तक।
ये हुआ चंद्रयान वन के टाइम, है ना। सेव इमेज का ऑप्शन आ रहा है, लिंक पे क्लिक हो गया। चलो अब तो शायद काम हो गया। किस में? पहले हमने कहा विक्रम साराभाई है ना, 9 ईयर तक रहे हैं ये, और 2003 से 9 तक ये रहे थे। क्या नाम दिया था हमने? के कस्तूरी रंजन। तो ये हो गया पहले के टाइम, और दूसरे के टाइम हो गया मार्स मिशन। अभी देखेंगे तो आपको आइडिया ले जाएगा कौन किसके टाइम पर रहे, साफ नहीं है ये, है ना। 10 लोग हैं। के कस्तूरी रंजन और शायद इनकी डेथ हो गई। कोई नहीं, उस पर साफ दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जो मैंने लिखवाया वही है। चले मार्स ऑर्बिट लिख दिए। 2013, 2013 मैंने लिखवाया क्या नाम किसी का? नहीं, 2013 में क्रेस राधाकृष्णन। तो मन कर तो वहां लिखते चलना मिशन के आगे भी, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना हो। आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसलिए पढ़ लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अभी हम मॉब 2 भी लाने जा रहे हैं। ये मॉब 1 है, मॉब 2 लाने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो एस्ट्रोसेट कब? 2015 में। बस आने आ, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, अगले पेज पे आ जाएगा। इज द फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी सेटेलाइट मिशन लॉन्च बाय द इसरो ऑन 28 सितंबर 2015, विच वाज मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी एंड कॉस्मिक सोर्सेज इन एक्सरे। तो आपके लिए होगा कि पहला एस्ट्रोनॉमी हमारा सेटेलाइट कौन सा है, तो एस्ट्रोसेट है, और कब? 2015। अब जो अगला पेज है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो फ्यूचर में है। चंद्रयान 3 कब है, गगनयान कब है, लूनर पोलर एक्सप्लोसिव मिशन कब है, ये लिख लो। गगनयान 2022 भारत का पहला मानव स्पेस प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इसरो और हाल। लिमिटेड, हाँ। कितने लोगों को लेके जा रहे हैं हम? 3 पीपल को।
ईयर याद रखना है और कुछ हो ना हो, 2022 जैसे वो नहीं आता है, अगला ओलंपिक कहाँ होना है, अगला कॉमनवेल्थ कहाँ होना है, तो एग्जाम का क्वेश्चन होता है वैसे ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन कहाँ पे, साउथ पोल में। जैक्सा किसका है? तो ये लिख लेना कि जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड जापान। और कब साथियों? 2024 में। साउथ पोल या नॉर्थ पोल? तो साउथ पोल। चंद्रयान 3 हो गया और गगनयान हो गया, अब यह आएगा आदित्य। लिख दिए आदित्य 2022 में सोलर ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट वे में दे रहे होंगे लेकिन है तो हमारा ही, मतलब गाइडलाइन में दे रहे होंगे, फंडिंग नहीं दे रहे होंगे। जैसे इसमें क्या कहा कि हमारा ही है, तो फंडिंग कैसे होगा, प्लानिंग होगा, कैसे, इस पर क्लियर नहीं। ये हमारा पूरा है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये भी तो आपने पढ़ा था कि ट्रेनिंग के लिए बुलाए थे वो, रसिया ने भी दिया, रसिया भी है, फ्रांस भी है ना, दोनों। और ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है करंट में जब ये गया था, तो CHSL का ये। चलो बहुत खुशी की बात है। और शायद एयरफोर्स वालों को ही किया है, यही क्वेश्चन आया था CHSL में कि कौन 3 लोगों को सिलेक्ट किए। आदित्य 2022। उसके बाद आदित्य के बाद आ जाना मंगलयान पर, निसार पर। रिसेट की जरूरत नहीं। लिख लिया तो नुकसान थोड़ी ना करेगा निकम्मे। हाँ मॉम टू ये अच्छा एक क्वेश्चन है ना। शुक्रियान कब जा रहा है? 2025। नहीं, कुछ लोगों ने चांद पे भी खरीद लिया था प्लॉट, कॉलोनी काट रहे हैं। अब पैसा इतना ज्यादा वो क्या करें, तो कहीं खर्च कर देते ये हम और आप, तो यहीं खरीद ले वही बड़ी बात है। हम तो सोचते ही नहीं, तो इसलिए कभी चेक नहीं किए। आप लोग जब लग लग उग जाएंगे, लग उग जाइएगा तो सर्च करिएगा। हम लोग भी नेक्स्ट मिलेंगे। हाँ बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि ले सकते हैं।
इस साल मैंने 150 का टारगेट रखा है, उसके बाद मेरा टारगेट 200 हो गया परसों देखने के बाद कि नहीं सारे को पास करने, देखते हैं। हाँ नहीं, रिजल्ट का ही 200 टारगेट है। हाँ फिर बढ़ाते चलेंगे। फाइनल निकम में तो फायदा क्या है प्री और मेंस का? और ये पॉसिबल है, पेपर आएगा वही जो आप लोग टेस्ट ले रहे हैं, ध्यान रख लेना। अब आपके ऊपर, हाँ ये आपके ऊपर, आप उसको कैसे एनालाइज करें, क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग डेली अब इसी तरीके से काम करने लगे, अब टॉपिक पे पेपर बनाने लगे, कौन सा टॉपिक छूटा रहेगा अगले पेपर में डालो, अगले पेपर में डालो, ताकि कुछ उससे बाहर जाए ही नहीं। कर दिए तो 2000 एक से। अच्छा आप लोग का 10 से शुरू हुआ था, ठीक है आ जाएगा, मिल जाएगा, इनको भी नहीं पता चलेगा कि 10 था 11 था, मिला मिला के मिला, मिला ये सफल हो जाएगा। अब तो लिख लियोगे यार, अब इंडिया ने बहुत सारे फॉरेन सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिए, देख रहे हो? हाँ तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। चलो अच्छी बात, अब लगभग हमारे पास 1000 के पास आसपास हैं, तो उठाना तो उन्हीं में से पड़ेगा। डाउट टीचर्स नहीं बनाए थे कुछ, कई बार हम लोग नया बना रहे हैं, कई बार पुराने का हेल्प ले रहे हैं, इस तरीके से। 328 सेटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं, और जिसमें लगभग 34 कंट्रीज हमने को हमने अपनी सुविधा दी है। नहीं लिखना ये है कि सबसे ज़्यादा किसको दिया है, तो सबसे ज़्यादा भी हमने सेटेलाइट लॉन्च किए हैं अमेरिका के, सस्ते हैं। वही जो दिख लिखना था वो यहाँ पे है। इंडिया ने फॉरेनर सेटेलाइट को लॉन्च किए हैं, तो इंडिया ने टोटल फॉरेनर सेटेलाइट अब तक 328 किए हैं, जो 34 कंट्री हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सेटेलाइट अकेले अमेरिका अमेरिका के लॉन्च किए हैं, 237। बड़ी कंपनी आउटसोर्स करती है, ध्यान रखना। हम अपना पूरा डेडिकेशन करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, बाकी चीज़ आउटसोर्स कर लेंगे, ऐसे काम करते हैं। जैसे हम लोग सोचे कि हम चावल आटा गेहूं भी उपजा लें, तो फिर व्यवहारिक नहीं होगा, है ना, तो उसके लिए अलग लोग हैं। नहीं मेरे भाई, सिर्फ पहला दो लिख लेना बस। हाँ ये तो पूरा था, हमने तो 10 पे 11 पे लाकर रोक दिया। तो छोड़ देना है जब उनको फेल ही करने के लिए पूछना है, तो दिक्कत क्या है? ऐसा पूछेंगे तो नॉर्मलाइजेशन फायदा होगा आपको। चलें, ये तो था हमारा इसरो का कुछ काम काम का। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, पीएसएलवी में क्या लॉन लगता है, जीएसएलवी में क्या लगता है, लेवल 1 कौन, लेवल 2, तो हमने उतना नहीं किया। अब आ जाओ डीआरडीओ। हाँ वो है, हाँ वो है, वो हमने डाला है, उन्होंने उनका तो क्या नाम है उनकी कंपनी का, एलन मस्क। अब वही रहेंगे भी पीछे हो गए। अमेजन ही ज्यादा चांस है रहने के, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो बढ़िया है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं करेगा। छूट दे रखे उसने, सही है। अब सोच के देखो, खरीदना इनको है, बेचना मुझे, और
नहीं, वहाँ कुछ और है सोशल उसके एस्पेक्ट, और 40% मैं लूँगा, मैं अमेजनों में बैठा हूँ देश से बाहर, बनाने वाला भी उतना नहीं कमा सकता। DRDO established in 1958, 1958 में स्थापित किया गया। एंड हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। इसरो क्या काम करते हैं? तो स्पेस के लिए कार्य करते हैं, और DRDO डिफेंस के लिए कार्य करते हैं, मिसाइल। इनका पहला मिशन कौन सा है? सरफेस टू एयर, नई न्यू दिल्ली। हाँ, अभी आएगा, पांचों कैटेगरी आएगी आगे। लिख दिए, तीन ही बातें लिखनी है, कब एस्टेब्लिश हुआ, कहाँ हेड ऑफिस है, किसके अंडर में कार्य करता है। हाँ, दिया है उन्होंने अभी कल परसों नोटिस कि ड्यू टू कोरोना अभी हम इसको आगे शिफ्ट कर रहे हैं, और जब कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा तो हम कर लेंगे। DRDO वाले नहीं लिखवा रहे, क्योंकि उन्हीं का कोरोना बचा है, बाकी सबका तो खत्म हो गया। हम इस तरीके के मिसाइल के कुछ कैटेगरी हैं। पहले गाइडेड मिसाइल चलता था, है ना, कलाम जी ने शुरू किया था 1980 में, आगे ख़त्म हो गया। अब क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब है उल्टा वी बना दो, दैट इज़ बैलिस्टिक। मतलब मान लो तुमको पाकिस्तान पे हमला करना है किसी पार्टिकुलर जगह पे, गाइडेड मिसाइल सेट करो तो वो डायरेक्ट ऐसे जाने के बजाय ऊपर जाएगा और ऊपर से डायरेक्ट नीचे आएगा, और तुम्हारा क्रूज मिसाइल डायरेक्ट जाता है, मतलब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बेसिक डिफरेंस हमने बनाया है यहाँ पर, ये वाला तो काम करता है कौन, इसरो वाले लोग कार्य कर, ये हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जानना है। सरफेस टू एयर क्या है, सरफेस टू एयर टू एयर क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। हाँ, तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, देखना होगा गाइडेड है क्या है। गाइडेड होगा तो जहाँ सेट करोगे वहीं जाके मारेगा, मारो और भूल जाओ उसको बोलते हैं। अब देखो, हमने कहा गाइडेड मिसाइल इतने हैं जो अब तक हमने बनाए हैं, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एंटी बैलिस्टिक, एंटी सैटेलाइट, एंटी शिप, एंटी सबमरीन, एंटी टैंक, लैंड अटैक, वायर गाइडेड, है ना, क्रूज मिसाइल अभी देखेंगे हम, और बैलिस्टिक मिसाइल। ये तीन कैटेगरी है, कई तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लॉन्च मोड के बेस पे हमने किया टाइप क्रूज या बैलिस्टिक, फिर हमने मीडियम रेंज है, शॉर्ट रेंज है, जैसे हम आपसे पूछ लेते हैं कई बार अग्नि 5 किस रेंज में आता है, पृथ्वी के कितने स्टेज हैं, जो ब्रह्मोस है वो किस में आएगा, तो इस तरह इतने कैटेगरी हमने कहे, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, अंडरग्राउंड वाटर टू एयर, अंडरग्राउंड वाटर टू सरफेस, एयर टू अंडरग्राउंड,
मतलब जितने हो सकते हैं संभावित सारे में। अब है सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना, पहला हमने यही बनाया था 1960 में। और इनमें कुछ नाम अभी आएंगे, हमें देख लेंगे किस नाम से क्या है, बस हमने एक मैटर दे दिया कि हाँ इस तरीके के हो सकते हैं। यहाँ से हम प्रॉपर डिस्कस करना शुरू करेंगे कौन सा किस कैटेगरी में आता है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हमने बता दिया कि किस तरीके से काम करेगा, जैसे हमने एक फिगर दिया है, इस तरीके से जाएगा पहले स्पेस में और फिर जा करके जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर आपने सेट किया होगा वो मारेगा। ये तो मतलब फ्यूल कौन सा लेके जा रहे हैं हम, हाँ किस लेवल पे क्या जाएगा, और सारी बातें हमने यहाँ पे डाल दिया है कि किस तरीके से हमें गाइड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ पे रहती है ना। कोरिओलिस फोर्स और जगह काम करेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये तीन तरीके की, चार तरीके के हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे शॉर्ट रेंज की, मीडियम रेंज की, इंटरमीडिएट रेंज, लॉन्ग रेंज कह लीजिए, और इंटरकॉन्टिनेंटल। चाहे तो नोट कर सकते हैं, अभी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी कौन से मिसाइल किस कैटेगरी में आता है, तो चाहे तो ये कर लें रेंज वाइज बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखिएगा फिर ज़रूरत पड़ेगा कि शॉर्ट कितना तक, 1000 तक, मीडियम 3000 तक, लॉन्ग रेंज 3500 टू 5500, और इंटरकॉन्टिनेंटल 5500 किलोमीटर। हाँ बच्चे 300 से कम किया, अभी ब्रह्मोस आएगा इसी में। उन्हें सुनते हैं 26 जनवरी पे किसी विदेशी को बुलाया जाता है तो उसको दिखाया जाता है, देखो मेरे पास ये है ये, तो जाते जाते से मैं उनके पर कोई नहीं आया। अच्छा क्या हुआ था फिर? अच्छा तो बेसिकली उनको बुलाने का पर्पज यही होता है कि लोग खरीद लो कुछ, तो वो जाते समय दो चार सौ मिसाइल विसाइल ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है बहुत अच्छा हमें दे दो। अच्छा बच्चे, हाँ टेक्निकल वर्ड मुझे नहीं पता है, मतलब झूठ बोलूँ कि कुछ थिएटर के साइज का होता हो तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। हाँ मेरे बेसिकली एक कार प्रॉब्लम और भी थी, इसको कम टाइम में मुझे आपको तुरंत अवेलेबल कराना था, मतलब दो चार दिन बाद करता साथ में और इसको रीड करता। 5500 से ऊपर 5500 कॉन्टिनेंट ही पार कर जाएगा। क्रूज मिसाइल, अभी आएंगी कैटेगरी बैलिस्टिक, तो मैंने कहा इस तरीके से आएगी और ये उसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा, नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर के नीचे ही। क्रूज मिसाइल आर डिजाइन टू डिलीवर अ लार्ज वार हेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन द हाई प्रेसिशन। अब इनका कैटेगरी देख लो, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक। सोनिक मनी होता है सर, एक साइड में
ये तो साउंड को मेजर करने के लिए ना, मैक। किसके साथ? लाइट के स्पीड के साथ, है ना, साउंड के लिए। अ मैक, मैक साउंड के लिए है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके ओके, हाइपर सुपर और सबसोनिक। इकोनॉमी का क्लास कब होगा? ज्योग्राफी का? सब निकम्मे करवा रखा है, तुम ढूंढोगे तब तो। ब्रह्मोस 2 हुआ नहीं है, प्लान कर रहे हैं, आएगा भी, आगे आएगा। नहीं, प्रपोज्ड। देखो इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक सा है, रॉकेट जैसे काम करता है तो कौन सा, बैलिस्टिक, और ये जेट एयरवेज या जेट लाइंस जिस तरीके से कार्य करते हैं। तो ये सोच के देखो, लॉन्ग डिस्टेंस को कौन कवर कर सकता है? नहीं, दूरी को। लेकिन दूरी को कवर करने के चक्कर में इसका वेट ये कम वो लेके जा पाएगा, क्या बोलते हैं, हथियार, वारहेड। हाँ आगे दिया है कहीं, और ये थोड़ा सा ज्यादा वारहेड को लेके जा सकता है। आपने बस यही कॉन्सेप्ट लगना है, उसे तो इतना डिप कल आता नहीं है, हमने थोड़ा सा डाल दिया था। क्या क्या ज्यादा हो रहा है? मैं पेलोड की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस तो उसकी बात हो ही गई थी। उल्टा लिख रहा है क्या? ज्यादा लेके जा रहा है। अच्छा ठीक, इसका एग्जाम्पल देखो, जो आपके एग्जाम में जो मुझे बेसिकली एग्जैक्ट चाहिए था, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 या अग्नि, दोनों इसमें है, धनुष इसमें एक ही है, ब्रह्मोस। अभी आएंगे सारे के सारे आगे और। अब कई बार ये आता है कि इंटर गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम किसने शुरू किया था, या भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने शुरू किया था, कब? 1983 में, और आकर के 2012 में हमने इसे समाप्त कर दिया। इसमें 5 कैटेगरी हैं मिसाइल्स की, वही पांचों हमसे एग्जाम में जनरली पूछते हैं। पीछे वाले में कुछ नहीं, बस ये एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ही ब्रह्मोस याद रखो, बाकी जो बच जाएंगे। अब इन पांचों का नाम लिख लो एक बार, कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। ये इंटीग्रेटेड है, नाम क्या है? ये फीचर लिखना है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस। पीछे वाले में क्या लिखोगे? ये तो
1983 यह आता है पहचानने के लिए कि पृथ्वी कौन सा, अग्नि कौन सा है, त्रिशूल कौन सा। 2012 तक, मार्च 2012। ये सारे इंटीग्रेटेड हैं। वैसे भी थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तभी कई सारे याद कर पाओगे, है ना। पृथ्वी सरफेस पृथ्वी ही रहेगी, अग्नि भी जनरली पृथ्वी पे रहेगी, त्रिशूल फेंका जा सकता ऊपर, एयर आकाश। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आकाश टू आकाश, एयर टू एयर हो जाएगा, लेकिन ये सरफेस टू एयर है। और नाग तो नाम से क्लियर है, एंटी टैंक रहेगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको अलग कर दिया गया था, अग्नि को अलग कर दिया गया। इकोनॉमिक्स का जो बचा है नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे, सैटरडे को ही करना है ना। तो पढ़ाया था उसमें, इस क्वेश्चन मिले थे क्या? ठीक, सात घंटे पढ़ाए। बाकी इस बार का जो टॉपिक है वो आपको पहले से देख लेना चाहिए रिकॉर्डेड वीडियो में, क्योंकि पूरा थियरी है। हम चाहेंगे कि एक साथ पढ़ाए तो आप भी परेशान ना भी। पर टॉपिक हैं लिमिटेड, डिमांड सप्लाई, मार्केट, कॉस्ट, रेवेन्यू, यूटिलिटी, बस पांच टॉपिक। वो तो लगेगी, उनके आने के बाद फिर कर लेंगे। हाँ, डीजे जरूरत है तो आ जाएगा। 14-14 दिन पे थक मजा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है फिर, कोई बात नहीं, अभी 15 दिन इनको जी लेने दो। अभी जो से है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग लिख दिए। दो चार पांच साल बाद मैं डायलॉग दे सकता हूँ ना। हाँ, अग्निवास सेपरेटेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम, ऐसे लिख लो। अग्नि को इससे अलग करके और इसके पांच कैटेगरी बनाए गए। हाँ, पृथ्वी के तीन, अग्नि के पांच, और अग्नि भी अपना सबसे मतलब पावरफुल मिसाइल है, सबसे लंबी दूरी का तय करने वाला। हमने डाला आगे इसमें स्टेज डाले हैं। हाँ, इंटरकॉन्टिनेंटल में आ जाएगा, फाइव वाला जो है, इसीलिए अलग कर दिया गया, शुरू में तो तीन था। अब देखो, ये हमें याद रखना होगा, रेंज याद हो ना हो, लेकिन ये जरूर याद हो कि अस्त्र कौन सा है, मिसाइल एयर टू एयर, त्रिशूल कौन सा है, आकाश कौन सा है, पृथ्वी कौन सा है। ये लिख लो जो पीछे नहीं लिखे थे, जैसे ये तो लिख लिए थे, त्रिशूल, आकाश, अस्त्र लिखो, मतलब इसमें तो लगभग सारे ही लिखने पड़ेंगे। हाँ नहीं, सारे इंटीग्रेटेड नहीं है, गलत बोल रहा हूँ, वही पांच है। अभी आ जाएंगे इसमें से अगले पे, इधर आ जाएगा इसका डिटेल। जैसे अब देखो यहाँ पर ये बैलिस्टिक है, ये देखो क्रूज है, बैलिस्टिक है, क्रूज है, ये है,
एंटी टैंक का तो इतना ही जरूरत पड़ेगा ना, जब आने वाला है तब हमने छोड़ दिया लोग, मतलब उसको उस बैलिस्टिक उस मिसाइल के इफेक्ट को रोकने के लिए। भारत ने तो ये इसी के लिए कहा था ना कि हम, कलाम सर का स्टेटमेंट था कि पहले हम कहते थे कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, हम रोकेंगे, लेकिन अब हम सक्षम हो गए हैं रोकने के लिए, जब लॉन्च किए थे तो। ये सब अपने विपरीत परिस्थितियों के लिए बनाई गई चीजें हैं, काम कहाँ करते हैं। आजकल तो सबके पास एटॉमिक एनर्जी है। इसमें मीडिएटर का बहुत पैसा होता है। सारे देश यही कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद सैटेलाइट मिसाइल डिफेंस। वैसे भी लड़ाई हमेशा लाइफ में अपने दम पे होती है, ध्यान रखना। ट्रीटी में आपको साथ दे देंगे तो हमारे उधर, नहीं होता। जब आपको कुछ लोग साथ देने लगते हैं तो बाकी लोग भी देने लगते हैं। पहले वाली बात नहीं है ठीक, लिख रहे हो ना? हाँ, लिखते भी रहना। रेंज नहीं जरूरत है, हाँ। तो अभी टच नहीं किया है इसने, टीसीएस ने टच नहीं किया अभी, और करेगा तो लगातार फिर करना शुरू करेगा। हाँ? फिर कह दे से, हाँ। शौर्य सरफेस टू सरफेस, धनुष सी टू सी या सरफेस टू सरफेस, दोनों। सागरिका वाटर टू सरफेस, अंडर वाटर टू सरफेस, और निर्भय का तीनों वर्जन है, लैंड नेवल एयर। ब्रह्मोस का भी तीनों वर्जन है। SRBM का भी होगा आगे, नहीं शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ, लिख दिए। इसका याद रखना कम से कम, ब्रह्मोस वाला। जो हमने कैटेगराइज किया था सोनिक और सुपरसोनिक वाला, देखो उसका 300 से शुरू किया था ना, तो ब्रह्मोस अभी उस 300 कैटेगरी के पार नहीं किया है, 290 295 ही है जनरली। अस्त्रा भारत का सबसे छोटा मिसाइल, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल है।
त्रिशूल लिख ही चुके थे, आकाश लिख ही चुके थे। पैड का फुल फॉर्म क्या था, पीछे आया था, पृथ्वी एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ अलग से बस डिटेल देना था, नाग आपने पढ़ ही लिया है, प्रहार देख लीजिए, ब्रह्मोस हमने बता ही दिया, रसिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है किसमें, ठीक है फिर, ये तो खैर पॉपुलर क्वेश्चन है। हाँ मैं बोलता हूँ पृथ्वी का तीन रेंज है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक है, लेटेस्ट है 600 किलोमीटर, आर्मी यानी लैंड वाला, एयरफोर्स वाला और सी वाला तीनों है। तो पृथ्वी ये चाहो तो लिख लो, नहीं वो तो डिटेल वो तो आप जानते ही हो, नहीं जान रहे हो, ब्रह्मोस इंडिया और रसिया का है, हमारा ब्रह्मपुत्र और उनका कोई मस्कोवा रिवर को मिला करके ब्रह्मोस बनाया गया। कोई उठा ले गया और पिन दो, बाहर से स्टेपल करवा के ला कर रख दो। लिख दिए पृथ्वी के तीन वर्जन, तीनों वर्जन में कौन कौन सा, पहला लैंड वाला है, दूसरा एयरफोर्स वाला और तीसरा नेवी वाला है। रेंज ध्यान रखना है इस वाले का, तीनों का पेलोड याद होना हो कोई दिक्कत नहीं है, वर्जन याद हो तो और अच्छी बात है, फिर अगली 5 तक है। एसएससी लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, यूपीएससी में थोड़ा सा फेंक डाल देता है बैलिस्टिक और दूसरा कौन क्रूज मिसाइल का पेलोड वाले से स्टेटमेंट वाइज डाल देता है। मेनली वेरिएंट है सरफेस टू सरफेस, लेकिन क्या क्या रोल हो सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो अग्नि 5 है ना, अभी 6 तक आ गए, बल्कि अभी हम इस रेंज में चल रहे हैं एग्जैक्टली, ये ट्रायल है और ये अंडर डेवलपमेंट है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, इतना जान के रखना है कि अग्नि 5 का रेंज क्या है। क्वेश्चन में ये है भारत का जो अग्नि का रेंज है, देख लो पूरा कॉन्टिनेंट पार कर देंगे हम। हाँ तो अपने आप को हमने सेफ कर लिए, सबसे शक्तिशाली पूछा जाए तो ये। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये हमने कवर कर लिया है, कुछ था ही नहीं, ये टॉपिक बहुत बढ़िया, मतलब यदि साइंस बैकग्राउंड का बढ़िया बच्चा हो मतलब पढ़ाने के लिए तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, मतलब साइंस उतना तो हम लोग को भी आता है आपको भी आता है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। और इस पर जो हमने एक PPT डाउनलोड किया उसमें एक एक चीज़ पूरा एक एक पेज पे सब कुछ था, तो मुझे लगा फिर वो अव्यवहारिक हो जाएगा, मतलब उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन फ्यूचर कभी टाइम मिल जाएगा तो हम कर लेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आप लोग, ऑनलाइन वाले आप लोग भी कमेंट करके बोल सकते हैं, और आप लोग या आप ही लोग की डिमांड थी कि हमारा ये टॉपिक हो जाए, जो आपने जिन्होंने लिस्ट बनाई थी किसी बच्चे ने, नहीं भी स्टैटिक में सब्जेक्ट वाला बुक्स और ऑथर का हमने लिस्ट बनाया, वो पढ़ाने का नहीं फायदा है, वो आपने पढ़ लेना है, दिखा दिया था हमने कितने टाइप बनाए हैं, वो बुक में आएगी, वो हमने सारे कैटेगरी जितने पॉसिबल है सारे कर दिए थे। वो भी बुक में डाल दिया है, वो पढ़ाने का नहीं,
मतलब वो यही जैसे आज हुआ वैसे ही हुआ, आज तो थोड़ा सा फैक्ट था। और कोई टॉपिक नहीं, अभी नहीं हुआ है तो मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आपने इंटरनेशनल बाउंड्री। कोई बात नहीं, करंट नहीं करा है, जैसे अभी बच्चे कह रहे हैं कि अपना जैसे इंडियन ज्योग्राफी का बचा हुआ है पूरा नहीं पढ़ा है, फिजियोग्राफी। तो उससे पहले मैं एक दो टॉपिक और देखूंगा जो मैं कल परसों लिस्ट बनाया हूँ जो नहीं हुआ है, मैं मिस कर रहा हूँ, तो उसमें से एक दो टॉपिक मैं करा दूंगा। वो कराया जा सकता है लेकिन वो लास्ट में आपको रटना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था स्ट्रेट जल संधि, आपने पढ़ा भी और मैंने पढ़ाया भी, लेकिन ध्यान से देखो लास्ट में रटना ही पड़ेगा। हाँ तो एक बार करा के फिर एमसीक्यू कराऊंगा तो फायदा होगा, नहीं तो मान लो मैंने दे दिया चार ऑप्शन, बोलो इसमें से कौन लैंड लॉक्ड कंट्री है तो कोई फायदा नहीं है, निम्न कौन सा आईलैंड कंट्री है, निम्न कौन सा यूरोप का कंट्री नहीं है, निम्न कौन सी सीमा ब्रिटेन के पास नहीं है, यूके में कौन कौन से देश शामिल है कौन से नहीं, ऐसे ऐसे कैटेगराइज कर देता हूँ और वो कर देंगे कॉन्टिनेंट्स बेस्ड। नहीं अभी स्टैटिक में भी है तीन चार टॉपिक है जो आपको पढ़ाना है, मैं मिस कर रहा हूँ। किसी ने लिस्ट लिखा था आप में से, वाटर डैम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डैम्स। हाँ बच्चे सुपरलेटिव्स नहीं कराए हैं, नोट्स में देंगे। जैसे अवार्ड्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, स्पोर्ट्स हो गए हैं, डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट डेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क, सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स नहीं हुए हैं, सी पोर्ट शायद हो गया है, सी पोर्ट्स हो गया है, एयरपोर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और स्टेट और यूटीज उतना हो गया जितना चाहिए, मतलब इसमें क्या कराना होता है, डांस कराना होता है, ट्राइब्स कराना होता है, कुछ बेसिक फैक्ट है तो बीच बीच में जहाँ जरूरत हुआ करा दिया। रिवर डैम नहीं हुआ है, रिवर हो गया डैम नहीं हुआ है, रिपोर्ट्स नहीं हुए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, उससे मेरे पास थियरी भी तैयार है, एमसीक्यू भी तैयार है, क्या रैंक है वो भी तैयार है, कल करा देते हैं इंडेक्स। फर्स्ट फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड ये बुक में दे रहे हैं, नेशनल सिंबल्स 10-15 मिनट का टॉपिक है पढ़ा देंगे, कल इंडेक्स करा देते हैं। चलें अब बैठ के पढ़ें, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ऑनलाइन वालों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर इंडेक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।